हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इसके पहले हमने अल्कोहल और फिनॉल के प्रिपरेशंस मेथड पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? सबसे पहला तो है फिजिकल स्टेट, यानी ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट को, ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट में देखो, अल्कोहल का अगर हम अल्कोहल के अगर कंपाउंड्स देखते हैं तो यहां पर अल्कोहल के जो लोअर मेंबर है, ओके, लोअर मेंबर मतलब कौन से? लोअर अल्कोहल, लोअर अल्कोहल यानी फॉर एग्जांपल कौन से हो सकते हैं? जैसे कि मिथाइल अल्कोहल हुआ, ठीक है, या इथाइल अल्कोहल हुआ। तो ये जो लोअर अल्कोहल है ये कैसे एग्जिस्ट होता है? दिस लोअर अल्कोहल्स आर इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं और टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। So lower alcohols are toxic and liquid in nature. वो liquid form में होते हैं और कैसे होते हैं? Toxic होते हैं, ठीक है। और इनका एक characteristic smell होता है, ठीक है। So having characteristic smell या बोल सकते हैं alcoholic smell, ठीक है, alcoholic smell या odor। इसका characteristic या alcoholic smell या odor होता है। तो ये किस केस में? अल्कोहल के केस में, जहां पर लोअर अल्कोहल जो है, ठीक है, अल्कोहल फैमिली के जो लोअर मेंबर्स हैं वो यहां पर लिक्विड टॉक्सिक होते हैं और उनका एक अल्कोहलिक स्मेल होता है। जबकि फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल में क्या है कि प्योर फिनॉल, ओके, प्योर फिनॉल की बात करते हैं, मतलब उसमें फिनॉल में कोई अदर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो प्योर फिनॉल जो होता है ये कैसे होता है? ये भी टॉक्सिक ही होता है लोअर अल्कोहल जैसा। सो प्योर फिनॉल इज टॉक्सिक एंड इन सॉलिड इन नेचर, ठीक है, एंड इन सॉलिड इन नेचर, ठीक है, सॉलिड नेचर में होता है, टॉक्सिक होता है, ठीक है। और इसका भी जैसे अल्कोहल का एक अल्कोहलिक स्मेल होता है, ठीक है, उसी तरीके से फिनॉल का भी, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है जिसको हम कार्बोलिक या फिनॉलिक स्मेल कह सकते हैं। सो हैविंग कार्बोलिक और फिनॉलिक स्मेल, ठीक है, कार्बोलिक और फिनॉलिक स्मेल होता है। तो ये है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। सेकेंड है नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सा हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, ठीक है, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। तो यहां अल्कोहल में और फिनॉल में क्या दिखाई देता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स है, खास तौर से यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है, इनमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो जैसे कि अल्कोहल की बात करते हैं, ROH, ये हुआ अल्कोहल। अल्कोहल में ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी, तो ऑक्सीजन यहां पर पार्शियल निगेटिव और हाइड्रोजन यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो ये एक अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के लिए हुआ। ऐसा ही सिमिलर अगर दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल लेते हैं ROH, इसमें भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहां क्या दिखाई देगा कि अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के तरफ अट्रैक्टेड दिखाई देगा, ठीक है, और वो अट्रैक्शन किसके बीच होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। तो ये जो बॉन्डिंग बन रहा है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। तो अल्कोहल्स के जो दो मॉलिक्यूल हैं उनमें क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसको बोलेंगे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यही फिनॉल के केस में भी होगा। फिनॉल में भी क्या होता है? यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है एरोमेटिक रिंग को, ठीक है, जिसको हम फिनॉल कहेंगे। इसमें भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है, यहां पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, सो एक्वायर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये हुआ फिनॉल का एक मॉलिक्यूल। ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, इस तरीके से फिनॉल का और दूसरा मॉलिक्यूल यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि फिनॉल का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्डेड रहेगा। मान लो कि ये सेकेंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये इस तरीके से शो करते हैं कि ऑक्सीजन के साथ में यहां लेंगे हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन यहां होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब सेकंड मॉलिक्यूल्स अगर हम फिनॉल का लेते हैं, ओके, सेकंड मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल में भी उसी तरीके से पार्शियल चार्जेस रहेंगे, ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में यहां पर क्या मिलेगा आपको? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये क्यों हो रहा है?
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ अपोजिट पोलैरिटी डेवलप ऑन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन का दूसरे मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन्स के तरफ क्या होता है? एक अट्रैक्शन होता है और इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको बोलेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी क्या होता है कि इन अल्कोहल एंड फिनॉल देयर इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन ऑफ वन अल्कोहल मॉलिक्यूल विद द पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन ऑफ अदर अल्कोहल। ठीक है, और सिमिलर फैक्ट किसमें मिलेगा? आपको फिनॉल में भी मिलेगा। ठीक है, ये हुआ इसका सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सोल्युबिलिटी। ठीक है, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सोल्युबिलिटी। अब सोल्युबिलिटी मतलब अल्कोहल और फिनॉल ये वाटर में सोल्युबल होंगे क्या? ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? सोल्युबिलिटी कैसे होगी? देखो, सोल्युबिलिटी ये डिपेंड करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होते हैं उनके पीछे रीजन क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। अब देखो, अल्कोहल में ROH, ठीक है, ये अल्कोहल है। अल्कोहल में हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है ये पार्शियली निगेटिव और हाइड्रोजन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ओके, तो अगर ये वाटर मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, तो वाटर में सोल्युबल होगा। अब वाटर में क्या होता है? HOH, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, वाटर में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में आपको पोलैरिटी दिखाई देगी, दैट्स अ नेगेटिव और हाइड्रोजन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव। यहां पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर भी चार्जेस के बीच यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच आपको यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई देगा और इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल ये वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर सकता है? फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ध्यान में रखना कि अल्कोहल की बात करते हैं ROH या फिनॉल की बात करते हैं, इसमें जो OH पार्ट है, ओके, ये जो OH पार्ट होता है इसको अपन हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर के तरफ इसका अट्रैक्शन होगा या वाटर के साथ ये बॉन्डिंग बना सकता है, क्योंकि अल्कोहल और फिनॉल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ही आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिखाई दे रहा है, पोलैरिटी यही बनेगा। ये जो पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक होगा, लेकिन अल्केल जो ग्रुप दिखाई दे रहा है ये हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, ये होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, ये अल्किल पार्ट वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसीलिए अल्कोहल वाटर में सोल्युबल है बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, यानी हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहेंगे। ओके, अब ये भी है कि इसमें अल्कोहल में अगर लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल लेते हैं, लोअर अल्कोहल अगर लेते हैं जिसमें आपको हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन की जो चेन है वो कम दिखाई देगी, तो अगर कम चेन कार्बन की है तो वो ज्यादा से ज्यादा सोल्युबल होगा, क्योंकि उस केस में हाइड्रोफिलिक पार्ट का इफेक्ट ज्यादा होगा, हाइड्रोफोबिक का पार्ट का कम इफेक्ट कम होगा। लेकिन अगर इधर आप कार्बन चेन बढ़ाते जा रहे हो अल्कोहल के, अगर आप हायर मेंबर्स लेते हो तो उस वक्त हाइड्रोफोबिक का इफेक्ट ज्यादा होगा और सोल्युबिलिटी जो है वो थोड़ा डिक्रीज होता जाएगा। तो सोल्युबिलिटी डिपेंड करता है एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। ओके, तो अल्कोहल में आप देखो, अल्कोहल में इस तरीके से होगा कि अल्किल के साथ में ऑक्सीजन है और साथ में कौन है? हाइड्रोजन। दोनों पर पार्शियल चार्जेस निगेटिव, पार्शियल चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। तो दो वाटर मॉलिक्यूल इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, जैसे कि वाटर का ऑक्सीजन जो है ये एक अल्कोहल के हाइड्रोजन से जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो जो ऑक्सीजन अल्कोहल का है ये भी वाटर के हाइड्रोजन के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। मतलब अल्कोहल में दिखाई दिया कि अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल यहां पर वाटर के दो मॉलिक्यूल से सराउंडेड हो सकता है या वाटर में वो डिसॉल्व हो सकता है। तो सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट पे। जहां हाइड्रोफिलिक पार्ट का इफेक्ट ज्यादा हो वो बहुत ज्यादा सोल्युबल होगा। यानी अगर हम लोअर मेंबर की बात करते हैं जैसे कि CH3OH मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, या फिर इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, तो ये जो दो मेंबर्स है अल्कोहल के, है ना, जो लोअर मेंबर्स है दीज आर हाईली सोल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये वाटर में हाईली सोल्युबल मिलेंगे। लेकिन इसके बाद अगर हम हायर मेंबर्स लेते चलते हैं CH3CH2CH2OH, ठीक है, प्रोपेनॉल या फिर कार्बन की चेन अगर हम यहां पर बढ़ाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो यहां पर क्या होगा? सिर्फ दीज आर द सोल्युबल। सोल्युबल का मतलब होगा सोल्युबल होंगे लेकिन हाईली सोल्युबल नहीं होंगे।
यानी सोल्युबिलिटी इनकी डिक्रीज होगी। इसके बाद अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर बढ़ते जाता है तो सोल्युबिलिटी यहां पर क्या होगी, डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज हाइड्रोफोबिक पार्ट यहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा या बढ़ते जाएगा। सो दिस इज अबाउट द सोल्युबिलिटी ऑफ द अल्कोहल एंड फिनॉल। सिमिलरली आप देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट को हमने इसके पहले भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, अब इसमें ये देखा कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर मास। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये किस पे डिपेंड करता है, मॉलिकुलर मास पे। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा, एक तो मॉलिकुलर मास पे डिपेंड करेगा, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। बॉइलिंग पॉइंट जो है ये सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा, और सरफेस एरिया में हम क्या देखते हैं, ब्रांचिंग। ठीक है, ब्रांचिंग पर भी बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा। अब सबसे पहले अगर मॉलिकुलर मास की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर मास। ठीक है, मॉलिकुलर मास, अब जैसे कि ये ऊपर एग्जांपल लिए हुए हैं, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपिल, ब्यूटिल अल्कोहल, इसमें देखो कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, हाइड्रोक्सिल तो वही है, एक एक हाइड्रोक्सिल सभी में है, लेकिन यहां पर कार्बन की चेन बढ़ते जा रही है, और अगर कार्बन की चेन बढ़ेगी तो इसका मॉलिकुलर मास बढ़ेगा, और मॉलिकुलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब इन कंपाउंड्स में अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या दिखाई देगा, इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा, और इसका रीजन क्या है, रीजन है मॉलिकुलर मास। और मॉलिकुलर मास क्यों बढ़ रहा है यहां पर, क्योंकि कार्बन की चेन बढ़ रही है। तो यहां पर ये मॉलिकुलर मास वाला जो कंसेप्ट है ये खास तौर से हम कहां अप्लाई करेंगे, स्ट्रेट चेन कंपाउंड में, मतलब जहां पर कार्बन की स्ट्रेट चेन। ठीक है, लेकिन ब्रांचिंग अगर होता है तो ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, और सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज होने से उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर जो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ब्रांचिंग के वजह से, वो क्या होता है, यानी जिसको हम बोलेंगे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो डिक्रीज होता है। So due to the branching, surface area decreases, and that's why van der Waal force of attraction decreases, and because of that the boiling point decreases. यहाँ पर क्या होगा कि सरफेस एरिया का डिक्रीज होता है, ब्रांचिंग डिक्रीज होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट करेगा। मॉलिकुलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन सरफेस एरिया या ब्रांचिंग अगर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, सो बॉइलिंग पॉइंट ये जो है ये डिक्रीज होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन सरफेस एरिया बोल सकते हो, या डिक्रीज इन सरफेस एरिया कह सकते हो, या फिर इंक्रीज इन ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग बढ़ते जाएगा तो सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा, और सरफेस एरिया का डिक्रीज होता है तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वीक होते हैं और बॉन्ड तोड़ने के लिए कम से कम एनर्जी वहां पर लगेगी, और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट यानी जो हीट लगेगा वो कम लगेगा। So boiling point decreases with decrease in surface.